अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक द न्यू व्लॉग। कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। मैं अभी अभी उठा हूँ, अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और मैं जा रहा हूँ फार्म हाउस। तो मैं जाता हूँ फ्रेश होने, तो फिर आपसे फ्रेश होने के बाद मिलते हैं। तो अभी मैं हो गया हूँ रेडी, बैग वैग मैंने पहन लिया है और गाड़ी पर आ गई है। अभी थोड़ी देर में बस निकल रहे हैं, फिर आपको फार्म हाउस में मिलेंगे इंशाल्लाह। हम फार्म हाउस पर पहुंच गए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको फार्म हाउस का पूल दिखाऊंगा, पूल तो पूल देखते हैं। डोना भाई सफर करो। ये पूल की सफाई हो रही है सिर्फ हमारे लिए, हमारे लिए पूल की सफाई हो रही है। यार कितना फिट है ये? अबे 6 फिट तो मेरी हाइट है, मैं तो इसमें नजर भी नहीं आऊंगा। देखिए आप लोग ने पूल देखे, स्लाइड भी है, VIP वाली स्लाइड है, मतलब इसकी ये पार्क है और ये ऊपर का एरिया है इसका। चलो स्लाइड की तरफ चलते हैं, वहाँ पे आपको दिखाते हैं। ऊपर से हमें देख मोबाइल से मैं स्लो मोशन बनाऊंगा। ये स्लाइड भी दी हुई है यहाँ पे, VIP वाली, बहुत बहुत VIP हो गया है। अमाउंट तो अच्छा है, क्लासिक नाम भी तो ऐसा है ना, जैसा नाम है क्लासिक वैसा क्लासिक फार्म हाउस है VIP। चले आपको अभी रूम दिखाते हैं आगे, चलो चलो रूम में चलते हैं, रूम दिखाते हैं आपको।
यार ये फुल कर देना पानी यार। एक ये कमरा है, दो पंखे, एक एसी भी लगी हुई है यहाँ पे। अच्छा कमरा है यार। सफर नहीं है तुम लोगों को? कपड़े चेंज करें डोना को। ओ भाई डोना ने कपड़े चेंज कर लिए भाई। अभी आपको झूले आगे दिखा देते हैं, झूले में क्या क्या है, कौन कौन से झूले हैं, बच्चों के झूले हमारे थोड़ी, हम भी खाएंगे बच्चे हैं तो क्या होगा, हम भी बच्चे बन जाएंगे आज। वाह घूम बेटा। अभी तो ऐसे ही दिखा रहा हूँ, थोड़ी देर के बाद बैठ के भी दिखाऊंगा झूले में। ये छोड़ इधर आ, इसमें भूत, इसमें पता है आपको ना इस झूले में भूत भी घूमते हैं। ये रहे वो भूत, वो झूला खुद ब खुद हिल रहा है याकूब, झूला खुद ब खुद हिल रहा है। हाँ वही ना, ये देख अब ये वाला भी हिल रहा है। मामा बहुत भारी है बेटा। वो ये वाला झूला भी हिल रहा है। वो दोनों झूले एक साथ हिलना स्टार्ट हो गए। एक ये है ऊपर नीचे वाला, एक ये है, एक ये है। तो चलो एंजॉय करने के बाद आप मिलते हैं, थोड़ा सा एंजॉय करें फिर आपको भी एंजॉय कराएंगे। धोनी में बैठो, चलो मिलते हैं। आपने मेरी पूल वाली स्लो मोशन तो देखी होगी, और उसके अलावा यहाँ पे बारबी की सीन भी चल रहा है, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये हमारे कुक है सज्जाद भाई, जो बारबी का सारा सिस्टम संभाल रहे हैं। और आओ आगे आपको और दो तीन चीज़ें दिखानी है, वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। पीछे आवाज़ आ रही होगी आपको जनरेटर की, गड़ 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 गड़। जनरेटर मेरे कानों में भी बज रहा है और आपके कानों में भी बजेगा लोग के लोग जब मैं एडिट करके। तो तब तक आप कबूतर ये कबूतर हैं, ये दो तीन यहाँ हैं और यहाँ हैं, तो मेरे को थोड़ा उड़े नहीं है ना, तो ये हैं और ये तोते हैं, तोते हैं और इन और इनकी है ना यहाँ पर खेत भी है, ठीक है। और ये मैं अंदर जाके चेक करता हूँ किस चीज़ की खेत है। ये शायद मुझे पुदीना या धनिया की खेत लग रही है, तो मेरे को ज़्यादा पता नहीं है क्योंकि मैं गाँव वाँव देहात देहात में रहता नहीं, मैं इधर ही रहता हूँ। तो ये इनका पार्ट वन है, इनका फूल है और फार्म हाउस पार्ट वन, पार्ट टू वो रहा। ये है इनका पार्ट टू और इनके बाद इससे आगे पार्ट थ्री है, फिर फोर है, फिर फाइव है, इनके एक में पाँच फार्म हाउस है। चलो आपको आगे की चीज़ें विज़िट करवाता हूँ और क्या क्या है यहाँ पर। और यहाँ पर जो एक सीन है ना यहाँ पे, वो बहुत बड़ा गंदा है। शाम तक आपको अगर बेड चाहिए ना, बॉल बेड, तो 200 रुपये आपको भरने पड़ेंगे सिर्फ बॉल और बेड के, ये गलत है ना यार। तो चलो आपसे थोड़ी देर के बाद मिलते हैं।
ये पागल हो गया, ठीक है, ये पागल हो गया। वो पानी में इतना नहाया इसका दिमाग में पानी चला गया, अभी पागल हो गया है। ठीक है, तो अभी हम व्लॉग को कर रहे हैं यहीं पे एंड। तो लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी करना। तो अल्लाह हाफिज़।